ये घर तो पहले यहाँ नहीं था। साईं, ये तो मेरे भाई का घर है, अभी 2 साल पहले ही यहाँ रहने के लिए आया है। उसे वापस भेज दो पंडरी, बाहर गांव का है, हो सकता है उसके आने से यहाँ का माहौल बदल जाए। ये घर तो पिछले साल ही बना है ना? ये तो मेरे बेटे का है साईं, वो तो यही शिरडी में पला बड़ा है। उसकी शादी हो जाने के बाद उसके और बहू के लिए अपने बगल में दूसरा घर बना लिया। लेकिन तुम्हारी बहू तो नागपुर के पास से है ना? हो सकता है आगे चल के उसका स्वभाव और नागपुर की सभ्यता शिरडी की सभ्यता से मेल ना खाए। तुम उसको घर वापस भेज दो। ये आप क्या कह रहे हैं साईं? पंडरी का भाई या मोहन की बहू, ये सब विश्वसनीय लोग हैं। हम उन्हें जानते हैं, उनके परिवार को भी जानते हैं, और वो लोग कहां से आए हैं, कैसे हैं, ये कोई नहीं जानता। दोनों मुद्दे अलग है साईं। हो सकता है पाटिल जी आप सही हैं, लेकिन एक ऐसा इंसान है इस गांव में जिसका किसी से कोई खून का रिश्ता नहीं है। कोई नहीं जानता कि शिरडी आने से पहले वो क्या था, कहां था। कुछ लोग तो उस पर विश्वास भी नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग उससे प्रभावित हो चुके हैं। क्या ऐसे इंसान को गांव में रहने का अधिकार है? नहीं, उसे यहां से बाहर करना ही होगा। हाँ साईं, ऐसे इंसान को हम बिल्कुल हटा सकते हैं। बताइए कौन है वो? आइए मेरे साथ, उसके पास ले चलता हूं। केला केला। साईं, तू हरकामाई क्यों आए? आप तो हमें उस आदमी के पास ले जाने वाले थे। पाटिल जी, वो मैं ही हूं। लेकिन आप तो सालों से यहां हैं, आप तो शिरडी के ही हैं। कभी तो मैं भी अजनबी था, और मैं ही नहीं, हम सभी कभी ना कभी शिरडी आए थे, है ना? कोई खुद आया तो किसी के दादा परदादा शिरडी आकर बस गए। लेकिन इस गांव ने सबको अपनाया। यहां आने के वक्त हम सब में कोई ना कोई कमी भी थी। कोई गुस्सा ज्यादा करता था तो किसी को लालच था, लेकिन सब में बदलाव आया। सबने अपनी और एक दूसरे की गलती से सीखा
और एक परिवार की तरह साथ रहने लगे। इसी तरह ये नए लोग भी किसी उम्मीद के साथ यहां आए हैं, तो हम उन्हें स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? क्या हुआ अगर उनकी बोली हमसे अलग है या हम उन्हें नहीं जानते? वो इंसान है, क्या ये काफी नहीं है? हमें माफ कीजिए साहब, हमारी सोच भटक गई थी, लेकिन आपने हमेशा की तरह सही राह दिखा दी। चला गया, इतना भयानक आदमी था वो, ऐसे कौन डराता है? जरूर नई बस्ती का होगा, बाबा ने कहा था इनसे दूर रहना। आज पता चला क्यों कहा था, हमें इन लोगों से दूर ही रहना चाहिए, और खास कर इस व्यक्ति से। बस इतना चाहता हूं कि आप सब उन लोगों का खुले दिल से स्वागत करें, उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानकर उन पे विश्वास कीजिए। वो नई जगह आए हैं, उनके लिए सब कुछ नया है, उनकी अपनी चिंताएं होंगी इस अनजान जगह आने की, अपने भविष्य को लेकर डर होगा, इतने दूर आए हैं रोजगार ढूंढने, तो कोई ना कोई मजबूरी तो जरूर होगी। अगर हम उनकी तकलीफें कम नहीं कर सकते तो कम से कम बढ़ाएं तो नहीं? स्याही को पानी में मिलाओ या दूध में, वो सबको अपने रंग में रंग देती है। इसी तरह प्रेम और करुणा वो स्याही है जो हर इंसान को अपने रंग में रंग देती है। ये सब क्या हो रहा है? ये लोग हमारी खेलने की जगह पे क्यों खेल रहे हैं? चलो पूछते हैं। कौन हो तुम लोग और यहाँ पे क्यों खेल रहे हो? मेरा नाम सत्ता है, हम सब अभी अभी आकर शिरडी में बसे हैं। हमारे घर के बाहर खेलने के लिए जगह नहीं थी, एक बड़ा मैदान देखकर हम यहाँ खेलने चले आए। आओ साथ खेलो हमारे, ये मैदान हमारा है और हमें किसी बार वाले को नहीं खेलने देंगे। लेकिन ये बच्चे तो इसी गांव में रह रहे हैं ना? लेकिन साई, हम इन्हें ना तो जानते हैं
और ना पहचानते हैं और सीधे आके हमारी जगह हत्या ली। पहले वो अंग्रेजी बोलने वाले बच्चे आ गए थे, उनके साथ भी अनुभव अच्छा नहीं था, और अब ये लोग। साई, कल इनकी बस्ती के एक आदमी ने हमें खूब डराया, कैसे बच के भागे वहां से ये हम ही जानते हैं। हमें लगता है हमें इनके साथ नहीं खेलना चाहिए। और हवा दो, ठीक से दबा। राम राम। ए, उस विश्वासघाती नमक हराम गंगाराम का भाई है ना तू, मनोहर। क्या क्या कर रहा है? मैं आपसे मिलने आया हूं बलवंत जी, मुझे उस मील को लेकर आपसे कुछ बात करनी है। यहां नहीं, अंदर मेरा दफ्तर है, वहां बैठी है, मैं स्नान करके आता हूं। गंगाराम का भाई बहुत चालाक है सरकार। गंगाराम कुछ महीनों से अपने बेटी के गांव में रह रहा है, तब से इसने उसका व्यापार संभाला हुआ है। गंगाराम का भाई उससे भी ज्यादा बड़ा धूर्त है। गंगाराम को बिना बताए बहुत सारे कुकर्म करके मुनाफे कमा रहा है। देखा देखा ना आपने कैसे आपको किनारे करके बलवन जी की चापलूसी कर रहा था, क्योंकि वो भी जानता है कि अब सारी सत्ता बलवन जी के हाथ आ गई है। माफी माफी सरकार, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। आप इतने दिनों से मोहन जो बैठे हैं, बलवन जी उसका फायदा उठा के आपसे सब कुछ हड़प रहे हैं। जो लोग कल तक आपके आगे पीछे घूमते थे, आज वो बलवन जी के गुण गा रहे हैं। बात तो सही कह रहा है तू पंता, कई बलवन की ये बढ़ती लोकप्रियता हमारे अस्तित्व को ही नष्ट न कर दे, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। हरिओम। बच्चों ये लो खाओ इसे। साई ये तो बहुत खट्टे है। अच्छा ये खाकर देखो। साई ये भी तो उनकी तरह है, ये भी तो खट्टे होंगे। खाकर तो देखो। लो। ये तो बहुत मीठे हैं। हाँ साई। लो बच्चों तुम भी खाओ। देखा बच्चों, जिस अंगूर को तुमने मीठा समझा वो खट्टा निकला, और जिसे खट्टा समझा वो मीठा निकला। लेकिन इसका स्वाद तुम्हें सिर्फ परखने पे समझ आया, फिर ये तो इंसान है, इन्हें बिना जाने इनके बारे में अपनी धारणाएं कैसे बना ली तुम सबने?
आप ही बताइए साईं, हम क्या करें? हम वही करेंगे। इन्हें एक हफ्ता यहाँ खेलने का मौका दो। लेकिन साईं, अगर इन बच्चों ने कुछ गलत किया तो तुम कहोगे वैसा ही होगा। लेकिन अगले 7 दिन प्यार से रहो, मिलजुल कर खेलो। ठीक है साईं। क्या ये फैला के रखा है? मुंडा बंद कर, हम यहाँ के मुखिया के आदमी हैं। अगर हमारी बात नहीं मानी ना तो उठा के शिरडी से बाहर फेंकवा देंगे। उठा ले यहाँ से। संता जी, हर चीज गौर से देख लेना, सरकार को बताना होगा। ठीक है बंदा जी। ये क्या हंस रहा है तू? और कल क्यों भाग गया था? बना क्या था मेरे? जाने किस जन्म की सजा है जो हमें मिली है। पूछना बंद करिए मेरे बेटे को। आज मैंने महालक्ष्मी का व्रत रखा है। मुझे पूरा यकीन है एक ना एक दिन ये सब लोगों की तरह से आना हो जाएगा। ये के हाथ पे पानी क्यों डाल रहा है? हाथ चल गया था तवे से, आपने नहीं देखा, पर इसने देख लिया। जो दर्द बड़े नहीं समझते वो तू समझ जाता है। फिर ये बच्चों जैसी हरकत क्यों करता है तू? ब्रिटिश सरकार से काफी मात्रा में मुझे अनाज का ऑर्डर मिल रहा है, मिल बनाने वाले मजदूरों के लिए। पैसे भी अच्छे दे रहे, घर बैठे हजारों कमाएंगे आप। मैं तो आपकी कृपा कमाना चाहता हूँ बस। तो फिर कृपा ही ले लो, पैसों की क्या जरूरत है? आप मजाक बड़ा अच्छा कर लेते हैं। मैं मजाक ना करता हूँ ना सुनता हूँ, सीधा मुद्दे पे आते हैं। तुम्हें जो ऑर्डर मिलेगा उसकी कमाई से 10% मेरा। पर साहब, कमाई का 10% आपको दे दिया तो मैं घाटे में आ जाऊंगा। फिर अनाज में मिलावट करो, कंकड़ पत्थर डाल दो, या फिर जानवरों को जो खिलाते हैं वो अनाज बेचो। मजदूर ही तो है, जो मिलेगा उसमें गुजारा कर लेंगे। लेकिन 10% यहां पहुंचना चाहिए, और अगर तुमसे ये नहीं हो रहा है तो मेरे पास काफी लोग हैं तुम्हारी जगह। नहीं नहीं, मैं करूंगा ना। एक और बात, मिल बनने की खुशी में मैं एक पार्टी दे रहा हूं, जिसके लिए अंग्रेजी अफसर भी आ रहे हैं। उस पार्टी के लिए सबसे उच्च कोटि का अनाज दाल भिजवा देना, और ध्यान रहे इसमें कोई मिलावट, कोई कंकड़ पत्थर नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी पत्थरों से भर दूंगा मैं। आप चिंता ना करें, सब अच्छा ही होगा, आपकी कृपा रहे बस।
का जश्न होने वाला है। बहुत लोगों का खाना बनाना है, उसके लिए लकड़ियां और कोयला लगेगा। जल्दी से काट दे सब। लेकिन मुझे तो कुल्हाड़ी चलानी नहीं आती है, तो मैं ये सब कैसे काटूंगी ताई? ए, मैं कोई तेरी ताई वाई नहीं हूँ, समझी ना? मालकिन बोला कर। क्या मालकिन? क्योंकि इस घर में तेरी औकात एक नौकर से भी कम है, और मुझे चलानी आती है। बोल, तू चला दू तुझ पर? कल सुबह तक सब लकड़ी कट जानी चाहिए, नहीं तो तू बचेगी नहीं। तो अपने धुएं को अपने पास रखना, हमारी आंखों और मुंह में क्यों जा रहा है वो? अरे इसमें मेरी क्या गलती? जिस तरफ हवा होगी उसी तरफ तो धुआं जाएगा ना। ऐसा कर रही है? जानती है हम गांव के मुखिया के आदमी हैं, टीडी में हमारी मर्जी चलती है। अगर हमसे बहस करने की जरूरत की ना, तो यहीं से उठवा के शिरडी से बाहर फिकवा देंगे तुझे, समझी? ए, चुप। पहले ही बहुत मुसीबतें खड़ी हो चुकी है तुम्हारी वजह से। अब तो तू अंदर चल, मैं तुझे देखता हूँ। चल चल अंदर, देखता हूँ मैं तुझे। चल चल अंदर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।